हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है? मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है, 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की है किसी ने, उस PIL में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहाँ पे मॉल बना रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके BJP और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक, फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा। इस साल 12वीं क्लास में हिमाचल प्रदेश में, मैंने बताया, 2019 में 62% नतीजे आए थे। दिल्ली के अंदर 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। हिमाचल प्रदेश के अंदर 55 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा 12वीं पास नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों के 400 बच्चे IIT की परीक्षा पास। अब आप सोच के देखो कि अगर दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे नहीं हुए होते, इतने बच्चे जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या वो जा सकते थे? नहीं जा सकते। ऐसे ही होता है ना गरीब परिवारों, ऐसे कितने ही बच्चे हैं, 1.5 लाख बच्चे हर साल मेरे 12वीं क्लास से निकलते हैं सरकारी स्कूलों में। इन 1.5 लाख बच्चों का पहले भविष्य अंधकार में था, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 1.5 लाख बच्चे, इनमें से कई इंजीनियर बनेंगे, कई डॉक्टर बनेंगे, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहने वाला। मैं शर्ती आपको बोल देता हूँ, आज अगर कोई मेरे से पूछता है, अरविंद जी 7 साल में आपने सबसे अच्छा काम किया, भाई साहब हमने बच्चों के 16 लाख बच्चे मेरे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 16 लाख बच्चों की मैंने जिंदगी बना दी। अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, एक बहन ने पूछा, जी प्राइवेट स्कूल वालों ने बड़ी लूट मचा रखी है, खूब फीस लेते हैं। दिल्ली में भी यही था, हमने दिल्ली में आने के बाद ब्लैंकेट बैन कर दिया, कोई फीस नहीं पढ़ाई। केवल बैन नहीं करा, हमने दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करा दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भेज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम बना दी, ऑडिट करा दिया। भाई साहब आपको जान के ताज्जुब होगा, कई दिल्ली के बड़े बड़े, नाम लेना ठीक नहीं है, बड़े बड़े स्कूल ऐसे निकले 40 करोड़ 50 करोड़ की FD बना रखी है। अरे तुम FD बनाने के लिए स्कूल चला रहे हो? भारत के इतिहास में पहली बार हुआ हमने FD तोड़ाई, और पिछले 5 साल में जितने बच्चे स्कूल में पढ़े हैं सबके पैसे वापस कराए। कभी सुना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेक वापस उनके अकाउंट में पैसे वापस आए? सरकार ईमानदार चाहिए, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह चाहिए। अगर ईमानदार सरकार आएगी, मजाल कोई जनता को लूट ले। तो दोस्तों, मैं केवल दिल्ली के लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य केवल एक वोट से बदल लिया, आज दिल्ली के लोगों का बच्चों का भविष्य बदल गया। आप भी अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते बटन दबा के। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, इस बात पे वोट मांगने के लिए आए। और आज मैं चैलेंज करता हूँ इन सारी पार्टियों को, हिम्मत है तो तुम शिक्षा के नाम पे वोट मांग के दिखा दो, हिम्मत है तुम रोजगार के नाम पे वोट मांग के दिखा दो। मैं शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, इसके नाम पे वोट मांगने के लिए आया।